स्टार्ट न्यू एक्सरसाइज 4.2 ऑफ आर चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल। हमें क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। क्वाड्रिलेटरल आपको दिया हुआ है एल आई एफ टी और उसकी साइड्स दी हुई हैं। इस तरह से पहले हम एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेंगे। पहले आपको दिख रहा है एल आई एफ टी, तो हमने एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया एल आई एफ टी। फिर हमने एल आई देखा 4 सेंटीमीटर है, फिर आई एफ हमारा है 3 सेंटीमीटर, टी एल तो टी एल आपका होगा टी एल 2.5 सेंटीमीटर, टी एल ये है आपका 2.5 सेंटीमीटर। देन एल एफ ये डायगोनल हो जाएगा हमारा क्वाड्रिलेटरल का 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया है आई टी, तो ये दूसरा डायगोनल हो गया हमारा आई टी 4 सेंटीमीटर का। हमको एक साइड नहीं दी हुई है और 2 डायगोनल्स की लेंथ दी हुई है और 3 साइड्स की लेंथ दी हुई है और हमको हमारा एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एल आई कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके बाद हम एल से और आई से यहाँ पर आर्क कट करेंगे तो टी मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम एल और आई से यहाँ पर आर्क कट करेंगे तो हमको एफ मिल जाएगा। उसके बाद हम सबको ज्वाइन कर लेंगे। तो पहले हम स्केल यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम एल आई ड्रॉ करेंगे, 4 सेंटीमीटर की है तो हम मेजर कर लेंगे 1 2 3 4, 4 सेंटीमीटर की हमको एक लाइन ड्रॉ करना है, उसको हमने नेम दे दिया एल आई और ये हमारा है 4 सेंटीमीटर। इतना हम बना लेंगे स्केल से और उसके बाद हमको टी पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो उसके लिए हम एक एल को सेंटर लेंगे और फिर आई को सेंटर लेंगे एक बार। तो सबसे पहले हम ओपन करेंगे हमारे कंपास को 2.5 सेंटीमीटर तक, तो ये हमने इसको ओपन कर दिया 2.5 सेंटीमीटर तक। फिर हमने एल में कंपास का टिप रखा और एक आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क है हमारा 2.5 सेंटीमीटर का। फिर हमने आई में रखा कंपास का टिप और 4 सेंटीमीटर की हमको, क्योंकि टी आई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हमको इसको 4 सेंटीमीटर तक ओपन करना है। 1 2 3 4 सेंटीमीटर तक हमने इसको ओपन किया और फिर हमने 1 2 3 4, और फिर हमने आई से आई को सेंटर लिया और रेडियस लिया हमने 4 सेंटीमीटर तक और एक आर्क कट किया जिसने प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उसको हमने नेम दिया टी, और फिर हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारा ये बन गया एल टी 2.5 सेंटीमीटर और हमारा बन गया आई टी 4 सेंटीमीटर का। अब हमको नेक्स्ट एफ पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम आई को सेंटर लेकर 3 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। 3 सेंटीमीटर रेडियस लिया हमने, 1 2 3 सेंटीमीटर तक इसको ओपन किया, आई में कंपास रखा और एक आर्क ड्रॉ किया। उसके बाद हमने एल पर रखा और 4.5 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया, 4.5 तक हमने ओपन किया, एल को सेंटर लिया और एक आर्क कट किया जिसने प्रीवियस आर्क को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उस पॉइंट को हमने नेम दिया एफ। उसके बाद हमने इसको ज्वाइन कर दिया एल एफ को, ये हमारा था 4.5 सेंटीमीटर, और आई एफ को ज्वाइन कर दिया, ये था हमारा 3 सेंटीमीटर। अब लास्ट में हम टी एफ को ज्वाइन कर देंगे, तो ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। अभी हमने जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हैं उसको हमको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, उसके बाद जो भी हमने फर्स्ट पॉइंट किया है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले हमने एल आई स्केल से ड्रॉ की, तो हम लिखेंगे ड्रॉ एल आई इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ये वाला पॉइंट बनाया, तो विथ एल एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर,
ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, विथ एल एज अ सेंटर, और हमने रेडियस लिया था, रेडियस इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ से हमने ये आर्क ड्रॉ किया 2.5 सेंटीमीटर. उसके बाद हमने आई को सेंटर लिया और एक 4 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया जिसने प्रीवियस आर्क को टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया. नाउ थर्ड पॉइंट है हमारा, विथ आई एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू, और हमने रेडियस लिया 4 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रॉ किया विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क, जिसने प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट किया है. प्रीवियस आर्क एट टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, तो हमको टी पॉइंट मिल गया. फिर उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया एल टी को और आई टी को, एंड देन ज्वाइन एल टी एंड आई टी, इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया. अब हमको एफ पॉइंट बनाना है. उसके बाद हमने एफ पॉइंट बनाया था, तो हमने आई को सेंटर लेकर एक 3 सेंटीमीटर का आर्क कट किया विथ आई एज आ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क, फिर उसके बाद हमने एल को सेंटर लिया और एक आर्क ड्रॉ किया 4.5 रेडियस का विथ एल एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर. ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क एट एफ. तो हमको F पॉइंट मिल गया. अब हमने LF और IF को भी ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइन LF, तो हमको LF मिल गया और फिर IF मिल गया. नाउ हमने TF को भी ज्वाइन कर दिया एंड TF आल्सो, तो हमको पूरा एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया. नाउ हम लिख देंगे LIFT इज required quadrilateral. तो हमारा हमने रफ स्केच ड्रॉ किया और फिर फेयर स्केच बनाया, कंस्ट्रक्ट किया है कंपास और रूलर से, और हमारा ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1 वाला. करेंगे एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करेंगे, GOLD है, उसकी सारी साइड्स दी हुई हैं. अब अगर हम इसका एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं, GOLD, तो सबसे पहले हमें GO कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और हमको यहाँ पर कहीं पर भी GO तो दिए, GO साइड नहीं दी हुई है, तो हम इसको उल्टा कर लेंगे. मीन्स सबसे पहले हम LD कंस्ट्रक्ट करेंगे इसमें. तो हम अभी ये रफ डायग्राम बनाएंगे, इसमें GOLD को हम उल्टा कर देंगे. हमको जियो साइड नहीं दी हुई है इसलिए हमने इसको ऊपर रखा है. नाउ LD आपको दिया हुआ है यहाँ पर, LD 5 सेंटीमीटर, फिर आपको GD दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और आपको LG दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर. उसके बाद OL आपको दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर, और आपको दूसरा डायगोनल ये भी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर.
तो हमको जियो के अलावा बाकी सारी साइट्स दी हुई हैं, इसलिए हमने जियो को ऊपर कर दिया। अब ऐसा हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे LD, LD बनाएंगे हम 5 सेंटीमीटर का। तो हमने यहाँ पर एक 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, 1 2 3 4 5, और हमने LD बना दिया और उसको नेमिंग दे दी 5 सेंटीमीटर। अब हमको ओ पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमको कंपास को खोलना पड़ेगा 7.5 सेंटीमीटर तक। तो हम इसको ओपन कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 7.5 तक हमने इसको ओपन किया और एक आर्क ड्रॉ कर दिया 7.5 सेंटीमीटर का। फिर हमको ओ डी बनाना है 10 सेंटीमीटर का, तो ओ पर रखा हमने और 10 सेंटीमीटर तक इसको ओपन किया। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 8 9 10। फिर हमने डी पर रखी टिप और एक 10 सेंटीमीटर का आर्क हमने कट किया, जिसने पहले वाले आर्क को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया ओ को, ओ एल को, और डी ओ को हमने ज्वाइन कर दिया। नाउ इसके बाद हमको जी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये हमारा एल जी 6 सेंटीमीटर है और डी जी भी 6 सेंटीमीटर है। तो हम 6 सेंटीमीटर तक इसको ओपन करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 सेंटीमीटर तक ओपन किया, और हमको एल जी बनाना है 6 सेंटीमीटर का। तो हमने एल जी बनाया 6 सेंटीमीटर का। फिर डी जी आपको दिया है 6 सेंटीमीटर, तो हमने डी पर रखा और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ किया। और इस पॉइंट को हमने नेम दिया जी। अब हमने एल जी को और डी जी को भी ज्वाइन कर दिया, और फिर जो बचा है ओ जी उसको भी हमने ज्वाइन कर दिया। तो हमारा एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया, जी ओ एल डी। अब हमने जो भी इसमें किया है सारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हमको यहाँ पर लिखना है। नौ ये आपके 6 सेंटीमीटर्स हैं, सारे मेजरमेंट हम लिख लेंगे जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है 6 सेंटीमीटर। ये भी हमारा 6 सेंटीमीटर है, और ये लॉन्ग डायगनल है हमारा 10 सेंटीमीटर का, और ओ जी हमने वापस लास्ट में ज्वाइन कर दिया, तो जिससे हमारा जी ओ एल डी एक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हम सारे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस लिखेंगे जो भी हमने कंस्ट्रक्ट किया है। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस, सबसे पहले हमने एल डी बनाई, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्रॉ एल डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ओ पॉइंट को कंस्ट्रक्ट किया, तो हम इसके लिए लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में विथ एल, विथ एल एज अ सेंटर। हमने एल को सेंटर लिया और हमने रेडियस लिया 7.5 सेंटीमीटर। हमारा रेडियस था 7.5 सेंटीमीटर का, और हमने एक आर्क ड्रॉ किया, ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद हमने डी को सेंटर लिया और रेडियस लिया 10 सेंटीमीटर का, एंड देन विथ डी एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग द, ऐसा आर्क हमने ड्रॉ किया जो ऊपर वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट पर, ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग द अबव आर्क या इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क। एट ओ, नाउ ज्वाइन कर दिया हमने एल ओ को और डी ओ को। नाउ ज्वाइन एल ओ एंड डी ओ। अब हमको जी पॉइंट को कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम जी के लिए लिखेंगे विथ एल एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ एन आर्क विथ एल एज अ सेंटर
एंड रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ एन आर्क. नाउ विथ एल एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ अनदर आर्क. या फिर आपने सेम ही रेडियस रखा है तो आप लिखेंगे विथ डी एज आ सेंटर एंड विथ सेम रेडियस भी बोल सकते हैं या फिर 6 सेंटीमीटर ही लिख लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा. आर इक्वल्स टू और फिर हमने रेडियस लिया है 6 सेंटीमीटर. ड्रॉ आर्क इंटरसेक्टिंग द प्रीवियस आर्क. इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एट जी. यहाँ से जो आर्क हुआ था पहले वाला जो आर्क था उसको हमने जी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है. एट जी अब हमने 3 लाइन को ज्वाइन किया है. एक एल जी को एल को जी से ज्वाइन किया है, डी को जी से और ओ जी को भी ज्वाइन किया है. तो हम सब उसमें मेंशन कर देंगे. नाउ ज्वाइन ज्वाइन किया है हमने एल जी, फिर हमने ज्वाइन किया डी जी, फिर हमने ज्वाइन किया ओ जी. नाउ अब आप मेंशन करेंगे 4 पॉइंट में जी ओ एल डी. जी ओ एल डी इज रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल. तो अब आपका जी ओ एल डी एक रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो गया. तो हमने जो साइड्स हमको दी हुई थी उस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है और ये हमारा पूरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हो गए इसके. इसमें एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है. बी ई एन डी आपका रोम्बस है तो हम एक रफ स्केच बना लेंगे बी ई एन डी का. जैसे हमने सॉरी एक रोम्बस है तो रोम्बस की ऑल 4 साइड्स इक्वल होंगी. इस तरह से हमारा रोम्बस बन गया बी ई एन डी बी ई एन डी. अब इसमें कौन सी साइड दी हुई है? इसमें सिर्फ बी एन दिया हुआ है आपको 5.6 और दूसरा दिया हुआ है डी ई 6.5. तो इसमें एक भी साइड नहीं दी हुई है. डायगनल्स दिए हुए हैं. रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. मीन्स ऊपर और नीचे का एरिया इक्वल हो जाएगा. अगर ये 5.6 है तो ये भी इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओ ले लेंगे, सपोज जो दोनों के जो मिड पॉइंट है उसको हम ओ ले लेंगे. अब हमको ये डायगनल एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करना है तो सबसे पहले हम उसमें बी एन पहला डायगनल बनाएंगे. बी एन बी एन हमारा एक डायगनल है रोम्बस का. पहले हमने वो बना लिया 5.6 सेंटीमीटर का. फिर उसके बाद जो दूसरा डायगनल है वो आपका ऐसा जाएगा. तो डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं मतलब 6.5 को ऊपर और नीचे इक्वली डिवाइड कर देगा. मींस डी ओ आपका हो जाएगा डी ओ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ 6.5 हो जाएगा और ओ ई जो है आपका ये भी ओ ई आपका हाफ ऑफ 6.5 हो जाएगा. मींस ये हो जाएगा आपका 3.25. तो हमको डी ओ कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 3.25 सेंटीमीटर और ओ ई कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा 3.25 सेंटीमीटर. तो हमारा रोम्बस ऐसा बनेगा. इसमें आपने बी ई बना लिया और ये जो हमारा डी ई है इसको हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. नाउ डी ओ यहाँ पर आपको 3.25. सबसे पहले हम बी एन को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे तो ये हमको बीच में बाइसेक्टर कोई लाइन मिल जाएगी. उसके बाद हमको ये जिस पॉइंट पर ये बाइसेक्ट करेगी उसको हमने ओ नेम दे दिया. अब हमको ऊपर भी बनाना है 3.25 तो यहाँ से हम एक आर्क ड्रॉ करके 3.25 का एक आर्क ड्रॉ करेंगे और हमको मिल जाएगा हमको डी पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर. फिर हम इसको ज्वाइन कर देंगे और फिर नीचे भी हमको 3.25 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है जिससे हम ज्वाइन करके एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर लेंगे. तो ये हमारा है रफ स्केच. ये हमारा हो जाएगा बी एन पहला डायगनल और डी ई हमारा हो गया दूसरा डायगनल.
इस तरह से हम एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये हमने एक रफ स्केच बनाया है, अब हम इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसको बी एन को ड्रॉ करेंगे स्केल रखकर 5.6 सेंटीमीटर का। तो हमने ये स्केल रखा और एक मेजर किया 1, 2, 3, 4, 5, 6.5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ड्रॉ की और उसको हमने नेम दे दिया बी एन 5.6 सेंटीमीटर। अब हमको पता है कि ये दोनों इसके डायगनल्स हैं और डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कंस्ट्रक्ट किया। इसकी हमारी जो प्रोसेस होती है, हमारी जो भी लाइन है उससे मोर देन हाफ हम इसको ओपन कर लेंगे अपने कंपास को और यहाँ से भी एक आर्क ड्रॉ करेंगे और दूसरे साइड से भी हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हम नीचे भी ड्रॉ करेंगे, एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया हमने और एक आर्क हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बी एन का। अब हम इसको ज्वाइन कर लेंगे और इस लाइन को कोई भी नेमिंग दे देंगे। इसको हमने एक्स वाई नेमिंग दे दी। अब हमको ये जो हमारा लाइन है ये हमारी होनी चाहिए 6.5 सेंटीमीटर की। इस पॉइंट को हमने जो हमको ये बाइसेक्टर मिला है बी एन का, हमने जो बाइसेक्टर अभी कंस्ट्रक्ट किया उसको हमने नेम दे दिया ओ। नाउ ओ डी हमारा 3.25 सेंटीमीटर है तो हमने अपने कंपास को 3.25 सेंटीमीटर तक ओपन किया 1, 2, 3 और 3.5 सेंटीमीटर से थोड़ा सा आगे कर लिया तो हमारा ये 3.25 सेंटीमीटर तक ओपन हो गया। तो हमने एक आर्क कट किया 3.25 सेंटीमीटर का और सेम ही आर्क हमने नीचे भी कट किया 3.25 सेंटीमीटर का। इसको हमने नेमिंग दिया डी और हमने नीचे वाले को नेमिंग दिया ई। अब हमने इन सबको ज्वाइन कर लिया तो हमारा एक रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया। तो सबसे पहले हमने बी एन लाइन ड्रॉ की तो हम अपने स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस में जो जो भी हमने किया है वो लिखेंगे। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस हैं, सबसे पहले हमने बी एन ड्रॉ की तो हम लिखेंगे ड्रॉ बी एन इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने बी एन का एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्ट किया तो हम दूसरे पे लिखेंगे कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ बी एन। बी एन का हमने पूरी प्रोसेस से बाइसेक्ट किया तो हमको बी एन बाइसेक्ट हो गया मिड पॉइंट ओ पर, तो हमको एक मिड पॉइंट मिला ओ एट ओ। बाइसेक्ट करना मतलब लाइन को दोनों पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देना। तो हमारे ये पार्ट अब इक्वल हो गए और ओ पर हमको इसका बाइसेक्टर मिल गया। नाउ अब हमको ओ डी कंस्ट्रक्ट करना है तो ओ डी है हमारा 3.25 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ओ पर ओ को सेंटर लिया और रेडियस लिया 3.25 सेंटीमीटर का और एक आर्क ड्रॉ किया एट ओ। और ये जो हमारा बाइसेक्टर है एक्स वाई जिसने ओ पर बाइसेक्ट किया है, कंस्ट्रक्ट बाइसेक्टर ऑफ बी एन एट ओ इज एक्स वाई, ये हमारा बाइसेक्टर था। नाउ थर्ड पॉइंट पर हमने ओ को सेंटर लिया है विथ ओ एज अ सेंटर और हमने रेडियस लिया है इक्वल्स टू 3.25 सेंटीमीटर जिसने ओ एक्स को या एक्स वाई को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, डी पॉइंट पर, विच इंटरसेक्ट विथ ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 3.25 सेंटीमीटर। ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट एक्स वाई एट पॉइंट डी, तो हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क, हमने एक आर्क ड्रॉ किया ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट एक्स वाई एट पॉइंट डी। फिर ऐसे ही हमने नीचे किया
विथ ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 3.25 सेंटीमीटर. ड्रॉ अनदर आर्क विच इंटरसेक्स एक्स वाई एट पॉइंट ई. नाउ विथ ओ एज अ सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू 3.25 सेंटीमीटर. फिर से हमने एक आर्क ड्रॉ किया. ड्रॉ आर्क बिलो, जो कि हमने नीचे ही नीचे बनाया है, बिलो बी एन, इंटरसेक्ट, जिसने इंटरसेक्ट किया है एक्स वाई को ई पॉइंट पर, एट ई. नाउ हमने सबको ज्वाइन कर दिया. फिफ्थ पॉइंट पे हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया बी टू ई एंड एन टू ई. इसको हमने ई से ज्वाइन कर दिया. फिर उसके बाद बी टू डी और एन टू डी एंड बी टू डी. फिर हमने ज्वाइन किया एन टू डी एंड टू डी. नाउ बी ई एंड डी इज रिक्वायर्ड रोम्बस. अब हमारा रोम्बस कंस्ट्रक्ट हो गया बी ई एन डी. ये हमारा एक रोम्बस बन गया, इज रोम्बस. तो सबसे पहले हमने बी एन बनाई और उसका एक परपेंडिकुलर बायसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया हमारे कंपस से. उसके बाद हमको बीच का मिड पॉइंट मिल गया, बायसेक्टर मिल गया. तो हमने ऊपर एक 3.25 का और एक नीचे 3.25 का आर्क कट किया और हमको बी ई एंड डी एक रोम्बस मिल गया. ओके सो दिस इज़ फिनिश्ड.